तो माशाल्लाह जब नमाज पढ़ के आ गए अभी मैं सबसे ईद मिलती हूँ, ईद मुबारक। चलो आ जाओ ईद मुबारक। नहाने के बाद झटक रहे अपने आप से, सुकून से नहाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कलेजी बनाकर हो गया और इतने में मेरे शौहर भी आ गए गोश्त लेकर। माशाल्लाह माए हसन हुसैन हम लोग सब पूरे बच्चे मेरे साथ में थे और इतनी वहाँ पे भीड़ थी, हम लोग 8 बजे से पहली जमात पड़ी गए 7:30 बजे। कितना नंबर था अपना? हम लोग का 12वां नंबर था। तो यहाँ पर हमारे नमकीन गोश्त को पकते हुए आधा घंटा हो चुका है, आइए देखते। बस लो टू मीडियम फ्लेम पर ही मैं पका रही थी और माशाल्लाह इसका पानी सूख चुका है देखिए, और हमारी जो बोटी है वो भी गल चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह अच्छे होंगे, आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बहुत अच्छे से। तो मॉर्निंग हो गई और जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया है क्योंकि आज है ईद उल अजहा। हाँ, आप सभी लोगों को मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से ईद उल अजहा बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत आप सबको मेरी पूरी फैमिली की तरफ से ईद उल अजहा मुबारक हो। तो अभी हम लोग नमाज पढ़ के आ गए, हम लोगों ने पहली जमात में नमाज पढ़ा है। पहली जमात जो थी 7:45 की है ना। तो अभी हम लोग पहली जमात पढ़ के आए क्योंकि हमको बकरा कराने जाना है, कुर्बानी कराने जाना है। तो नमाज पढ़ के आए, अभी हम लोग सुरखुमा बनाइए, एक नंबर सुरखुमा बनाइए मलाईदार, वो पहला खाएंगे पियेंगे, उसके बाद में बकरे को नहला के पानी हिला के कुर्बानी करने लेके जाएंगे। नमाज पढ़ के आते तो पहला शिरकुरमा खा के मुंह मीठा करते, उसके बाद ही फिर सब काम करते। तो पहला सबको शिरकुरमा दे देती हूँ, उसके बाद हम लोग जाएंगे नीचे, बकरे को नहलाएंगे धुलाएंगे और उसको फिर लेकर जाएंगे, वो भी दिखाएंगे। तो माशाल्लाह जब नमाज पढ़ के आ गए अभी मैं सबसे ईद मिलती हूँ, ईद मुबारक। चलो आ जाओ बकरा की कुर्बानी करने, बहुत एक्साइटेड। थोड़ा कल रो रहा था ना अभी, कल रो रहा था जाके मंडप में। हुसैन मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। सैफान खड़े हो जा। मेरा बच्चा थोड़ा अपसेट है, कल से रो रहा है, मुंह छोटा हो गया उसका, बकरा कुर्बानी होने ना पहला अपसेट है। अब सुरकुमा पी दे, लाओ जल्दी सुरकुमा लाओ। ये देखिए माशाल्लाह हमारा शिरकुरमा यहाँ पर रेडी हो चुका है, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है, बहुत मलाईदार बना है देखा हमारा शिरकुरमा। चलो अभी मेरे शौहर को बच्चों को पहले शिरकुरमा पिला देती हूँ। बिस्मिल्लाह, एकदम मलाईदार बना है हमारा शिरकुरमा। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है, जिस किसी ने नहीं देखा वो जल्दी से जाके मेरे शिरकुरमे की रेसिपी देखिए। चलो फिर लेके चलती हूँ। हमारी पहली जमात और दूसरी जमात फिर खड़ी हो रही है, आवाज आ रही है ना कितनी। चलो फिर पीते हैं, पीकर मिलते हैं फिर। शुक्र मत बताओ कैसा टेस्टी बना है माशाल्लाह। माशाल्लाह एक नंबर शुक्र हमारे, बहुत ही अच्छा, बहुत बेहतरीन है माशाल्लाह। अभी सुकुमा पीते नीचे मिलते हैं, बकरे को पानी मिलाएंगे फिर आपको दिखा दे ना। हाँ, गर्म बहुत हो रहा है। सुकुमा पी हो गया है, अभी बकरे को जाके पत्ता खिलाएंगे, चारा खिलाएंगे, आफरी में अब गर्म पानी करिए, अच्छे से बकरे को निलाएंगे, फिर कुर्बानी करके ले जाएंगे ना। तो चलो अभी नीचे चलते हैं मंडप में, चलो पहले खिला पिला लेते हैं उसको, उसके बाद निलाते हैं। गर्म पानी भी हो गया, चलो Thank you.
चलो खिला लिए अभी बकरे को, नहलाते शैम्पू लेकर आया है हसन। मैं पकड़ता हूँ कहाँ इधर चलो इधर क्या बात कर रहे हो मैं बंदूक लेती हूँ मैं पकड़ा हूँ क्या कंपूरा गरम पानी से नहा इसलिए चुप खड़ा है। पास्ता ठंडा पानी से हल्का गुनगुना हल्का गुनगुना नहाने के बाद झटक रहा है अपने आप। आराम से सुकून से नहाए हमस में मजे से। चलो अभी लेकर जा रहे चलो। यहाँ पे हमारे अपने फ्रेंड है जो उनके बकरे एक उसकी दुकान दी है, तो वो जमा भी करेंगे, वो अपने को सब इनका नहीं करेंगे। चलो आओ चलो चलो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बकरे की कुर्बानी हो चुकी है। मेरे शौहर मेरे बच्चे लेकर गए थे बकरे को कसाई के वहाँ, कुर्बानी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और अभी आएगा गोश्त, इससे पहला मैं रोटियां बना रही हूँ क्योंकि अभी सबसे पहले तो आएगी कलेजी, तो सबको कलेजी का नाश्ता करवाती हूँ, इसलिए रोटियां बना रही हूँ। चलो रोटी बना के फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ। माशाल्लाह अभी कलेजी आ चुकी है, अभी सबसे पहले मैं कलेजी बनाऊंगी क्योंकि मेरे शौहर मेरे बच्चे सुबह से गए हैं ना इधर फसाई के वहाँ, तो भूखे हो गए, तो सबसे पहले मैं उन लोग के लिए कलेजी बनाती हूँ, उन लोग आएंगे नाश्ता कराती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कलेजी बनाकर हो गया और इतने में मेरे शौहर भी आ गए गोश्त लेकर। माशाल्लाह मैं हसन हुसैन हम लोग सब पूरे बच्चे मेरे साथ में थे और इतनी वहाँ पे भीड़ थी, हम लोग 8 बजे से पहली जमात पड़ी गए 7:30 बजे। कितना नंबर था अपना? हम लोग का 12वां नंबर था। बताओ 12वां नंबर था, फिर भी माशाल्लाह 12 बजे में हमारा गोश्त भी आ गया और हमारा खाना भी बन गया। इससे बनाकर तकसीम करेंगे, इससे बनाकर पूरा। ओके चलो खाना को निकालो। चर्बी देखो इतनी निकली है ना? हाँ, इससे ज्यादा चर्बी नहीं निकली है हमारे बकरे में। मजी बच्चा बहुत पैसे ले बेटा ला ये ला फिर यूट्यूब तेरा कुछ जा रहा है। ये देखो सैफान को भी शौक आ रहा है
फटाफट साफ करके सेट करके इससे बना के फटाफट तकसीम करते जाके फटाफट पब्लिक बना के खा लेंगे। अभी देखो माशाल्लाह ये हमारी कलेजी बन के हो गई है रेडी। सबको कलेजी का नाश्ता करा देती हूँ। कलेजी का अपने बकरे की कुर्बानी के बकरे की कलेजी का नाश्ता करना चाहिए है ना। अभी नींबू निचोड़ के खा। और ये इसकी रेसिपी मैंने डाल चुकी हूँ, जिस किसी ने देखा वो जल्दी से जाके देखा। चलो नींबू निचोड़ के खाते मजेदार कलेजी। अभी देखो खाना खाने के बाद अभी बैठ गई हूँ ये गोश्त तकसीम करने के लिए। ये देखो माशाल्लाह ऐसा सब बना के ऐसा पूरा आफरीन सब जगह ताकि तकसीम करके आएगी है कि नहीं। हाँ बच्चे जाएंगे है ना। सब दिन कैसे भेजेंगे ना फिर? देखो इतना बड़ा बड़ा मैंने आटा लगाई हूँ। हाँ। और मेरा भी पास्ता बनाओ। हाँ इनको भी अपने दोस्तों के यहाँ देने का है ना। हुँ। वो भी बनाना है। हाँ। रिश्तेदारों के लिए अलग, दोस्तों के लिए अलग, हर घर के लिए अलग। मेरे दोस्तों को मेरे को जाने का देने के लिए। हाँ। तो बड़ा मेरे लिए बना के दो, फटाफट जाके दे के आता हूँ अभी है ना। ये अपने अड़ोस पड़ोस में जाएगा, बिल्डिंग में जाएगा। हाँ हमारे बिल्डिंग में भी देना है ना सबको। सबको जो तकसीम करते फटाफट आप फिर। चलो माशा तो अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त बांट कर हो गया। गोश्त भी बांट ली, मेरे शौहर गए गोश्त देने के लिए और मेरी बेटी शामरीन बिल्डिंग में बांट के आई। अभी मेरा हुसैन मेरा हसन जा रहा है अपनी खाला के घर पे देने के लिए। वहाँ जाएगा अपने दोस्त को देगा, अपनी खाला को देगा। बस हो गया सब करके रख दियो। अभी थोड़ा सा निकाली हूँ कीमा बनाने के लिए। तो अभी देखो सुबह से कर रही थी 12 बजे से, तो अभी 3 बज रहा है, 3:30 हो रहा है। अभी मेरा काम हो गया पूरा। अब चलो अब मेरे शौहर आने से पहला मुझे उनके फरमाइश पे रेसिपी बनाना है। वो क्या बनाती है किचन में चल के बताती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब काम हो गया मेरा, गोश्त का बाट बाट कर हो गया सब हो के। अभी मैं आ गई हूँ किचन में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया मेरे शौहर के फरमाइश पे अभी मैं बनाने जा रही हूँ नमकीन गोश्त। हाँ यानी कि खारी बोटी बना रही हूँ। ये देखिए नमकीन गोश्त बनाने के लिए ना यहाँ पर मैंने 1 किलो गोश्त ले ली हूँ और थोड़ा चिकना लेंगे, फैट के साथ लेंगे तो अच्छा बनता है। तो ये फैट के साथ मैंने ले ली हूँ। अब क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ लगता नहीं है नमकीन गोश्त बनाने के लिए, बहुत जल्दी बन जाता है मगर खाने में तो बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैं अब इसमें डालूँगी ये एक चम्मच नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। 1 चम्मच मैंने नमक डाल दी। इसी के साथ मैं डालूँगी 1/2 ग्लास पानी और इसको रख देंगे हम गैस पे। इसमें अब मैं इसको पकने दूँगी। इसमें सिर्फ नमक और पानी डालते हैं और ये अच्छी तरह से ना फैट भी रहता है ना, तो उसी में पक पक के अच्छी एकदम बोटी कड़क कड़क बन जाती है। अभी ये पकता है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गोश्त में हमारे बॉयल आ चुका है ना। अब इसका कलर चेंज हो रहा है देख सकते हैं आप लोग। अब इसको मैंने एक बार चम्मच से चला दी हूँ। अब क्या करेंगे, अब इसको ढक कर हम रख देंगे। इसको ढक कर लो टू मीडियम फ्लेम पर 25 से 30 मिनट तक पकने देते हैं ताकि हमारा गोश्त जो अच्छी तरह से पक जाए, नरम हो जाए, गल जाए, वहाँ तक पका लेते। ये अच्छा पक रहा है 25 से 30 मिनट, उसके बाद मैं आप लोगों को आगे का दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारे नमकीन गोश्त को पकते हुए 1/2 घंटा हो चुका है। आइए देखते हैं। बस लो टू मीडियम फ्लेम पर ही मैं पका रही थी और माशाल्लाह इसका पानी सूख चुका है। ये देखिए और हमारी जो बोटी है वो भी गल चुकी है। तो यहाँ पर हमारा नमकीन गोश्त जो है वो पक चुका है। अब इसको गैस का फ्लेम हाई करके इसको और भुनेंगे। ये जो देखो ये चिकना निकला है ना, इसी में हम इसे और भुनेंगे। तो पानी तो सूख चुका है
तो जितना भुनेंगे उतना और कड़क रोटी बनती है और खाने में भी मजा आता है। क्या बन रहा है मेरे शौहर भी आ गए गोश्त वगैरह बांट के। मैं थक गया हूँ, सुबह से 5 बजे उठा हूँ, पूरा काम माशाल्लाह मेरा भी फिनिश हो गया, सबको गोश्त तकसीम करके दो चारों में मैं भी आ गया और खाली बोटी वाफिन बोली बन रही है एक नंबर। तुम बोल के गए थे ना, बोला खाना बना डालना, खाली बोटी इतने जा रहे, खाली बोटी खाऊंगा तो दिल को सुकून मिल जाए। निकालो फटाफट, इनको बोलते पहला खारी बोटी बना के दे मुझे, वो खाऊंगा उसके बाद सब खाऊंगा। खारी बोटी सूखा सूखा खाता हूँ, वो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, तो पकते आ गई है, अब इसको और थोड़ा भूनेंगे आप, थोड़ा कलर अच्छा लाल होने तक। ठीक है, दो बनाइए, इंतजार करता हूँ। तो माशाल्लाह ये हमारी खारी बोटी यानी के नमकीन गोश्त बन के रेडी हो चुका है, अच्छी तरह लाल हो गया है और अच्छी तरह से गल भी गया है। चलो अभी गैस का फ्लेम ऑफ करके मैं इसको निकाल लेती हूँ प्लेट में, बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाह, ये देखिए, और चिकना रहेगा ना तो अच्छा लगता है ये खाने में, इस तरह का गोश्त। बकरे में तो चिकना निकलता ही है माशाल्लाह, तो बकरे का चिकना जो चर्बी रहती है तो और अच्छा लगता है खाने। और ये नमकीन गोश्त में ना कुछ भी नहीं डालने का, सिर्फ नमक और पानी डाल के इसको पकाना है। कांदा टमाटर अदरक लहसुन कुछ नहीं डालते नमकीन गोश्त में, बहुत से लोग डालते हैं मगर वो सब डालने की ज़रूरत नहीं है। नमकीन गोश्त जो है असल में इसी तरह से बनता है, इसी तरह से ट्रेडिशनल तरीके से। ये देखिए, चाहे तो इस पे नींबू डाल के खाओ, चाहे तो चाट मसाला डाल के खाओ, या तो ऐसे भी खा सकते हैं। चलो मेरे शौहर को खिलाती हूँ। माशाल्लाह, ये तो ये देखिए आफरीन ने मेरे लिए खारी बूटी बना के लाई है, इंतजार कर रहा था। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इतना सॉफ्ट गला है, वो भी दिखाओ। एकदम सॉफ्ट गला है, बहुत ही मस्त बना है, खाने में बहुत मजा आता है। आप लोग भी आइए खाने के लिए नमकीन गोश्त। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि माशाल्लाह हमने आप सबको ईद मुबारक किया, अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि आप लोग भी ईद बहुत अच्छी सी खेलेगी माशाल्लाह, है ना फिर। तो अभी ये हम लोग खा पी के सब आराम करके आराम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, दिन भर आप ने भी काम करी, मैं भी हम लोग भी पूरे बच्चे, मैं सुबह 5:30 बजे उठ के, मतलब कुर्बानी जिसके घर में होती है तो आपको मालूम है कितना काम निकलता है कि नहीं। तो बहुत ज़्यादा काम था, फिर सब पूरा काम हम पटा के फिर वो खारी बूटी आफरी ने बनाई थी, वो खा के मैं तो वहीं लेट गया सो गया। फिर अभी मगरिब में उठा हूँ, नमाज पढ़ के आया हूँ, तो चलो फिर बोले अभी आप लोग से मुलाकात करके वीडियो एंड करते, फिर इंशाल्लाह मैं छुट्टी तैयारी करेंगे। सुबह उठे थे, फजर से उठे तो अभी तक के थकान हो गई है, क्योंकि जिसके घर में कुर्बानी होती है उन लोगों को तो मालूम ही होगा कि कितना काम निकलता है, और मुझे तो अकेले हाथ से सब काम करना रहता है, तो ये भी देखो और खाना वाना भी बनाओ सब करना रहता है ना। सबसे बड़ा तो मसला तो कसाई लोग का बहुत ज्यादा डिमांड रहता है, कसाई नहीं मिलते, जहाँ कसाई है वहाँ पे बकरों की लाइन है, तो उसमें ज्यादा टाइम खराब है, उसमें ज्यादा थकान हो गई, हम लोग को 2 से 2.5 घंटा वहाँ कसाई के पास खड़ा रहना पड़ा, अभी धूप में बहुत ज्यादा मसला हो गया, उसमें ज्यादा थकान हो गई, क्योंकि कसाई लोग का बहुत डिमांड हो जाता है, बहुत डिमांड रहता है अभी ये बकराई पहले पहले पहली कुर्बानी नहीं जल्दी। तो चलो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, देर से हो गया, लेकिन अच्छा हो गया माशाल्लाह, तो जोर से पहले हम लोग का सब हो गया था, सब हो गया था। फिर उसके बाद खाना बनाना, फिर गोश्त तकसीम करना, उसमें पूरा टाइम चला गया। फिर उसके बाद जो बर्तन निकलते हैं बहुत चिकने हो जाते हैं, सब धोना घसना घर साफ करना सब हो गया है। तो सुनो, माँ बेटी समरीन हेल्प करती है, फटाफट दोनों माँ बेटी मिलके पूरा घर साफ कर दिए, माशाल्लाह सब हो गया क्लीन। अब जाके फुर्सत मिला है, और देखो अब आज तो मैंने ईद कर रहा है, कपड़ा भी नहीं पहनी, टाइम ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला, पूरा दिन चला गया। अभी मगरिब की नमाज के बाद अभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि सुबह में मैं नमाज पढ़ने नहा धो के नया कपड़ा पढ़ के पहन के नमाज पढ़ी, उसके बाद फिर अपना काम शुरू कर दिया। काम में उन्होंने कपड़ा चेंज कर दिया, सही बात। चलो खैर माशाल्लाह, उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब याद से करें, और खास तौर पर फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी हर मुश्किल को आसान करे, उनको हर तकलीफ को दूर करे, और उनकी और उनके जो खानदान में जो दुनिया से गुजर चुका है अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। चलो भी इसी तरह हम लोग व्लॉग को ऐड करते हैं, और अपनी इंस्टाग्राम आईडी को भी याद से फॉलो कीजिए, अपनी इंस्टाग्राम आईडी आपने ओके।
रखना। फिर एक बार बोलूंगा आप लोग को हमारी पूरी फैमिली तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक।